दृष्टिगण, दुर्गा के शिष्य और अनुयायी, पांडवगढ़ धाम में आस्था श्रद्धा रखने वाले भक्तों का कार्यक्रम पांडवगढ़ धाम में प्रतिमाए अमावस्या से पंचमी की तय होने वाले पर्व को 300 में प्रवर्तन किया गया है। ये सब लंबे समय से आप लोगों से चर्चा नहीं हो पा रही थी। आप लोगों को बहुत सारी जानकारियों में पांडवगढ़ धाम प्रवर्तन हुआ है और होने वाले पांडवगढ़ धाम के महोत्सव के विषय में आप सबको सामूहिक रूप से आमंत्रण लेके भी आए हैं। सभी पत्रकार मित्रों से मिलने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। आज मैं आप लोगों के बीच में पांडवगढ़ धाम में मध्य प्रदेश में ही जिला दतिया में प्रति वर्ष सन 1997 से श्री राम महायज्ञ पांडवगढ़ धाम महोत्सव का आयोजन पांडवगढ़ धाम की भूमि पर प्रति वर्ष होता रहा है। आज 28वां महोत्सव पांडवगढ़ धाम में 23 अप्रैल से 8 मई तक पांडवगढ़ धाम महोत्सव पांडवगढ़ धाम की भूमि पर भारतीय सनातन, भारतीय संस्कृति, राष्ट्रित्व में, लोक कल्याण और जनहित में महायज्ञ होने जा रहा है। इसमें आप सभी भोपालवासी, सभी देशवासी, सभी ईश्वर भक्त, ईश्वर प्रेमी पांडवगढ़ धाम की भूमि के लिए आपको आमंत्रण करते हैं। यज्ञ का, महोत्सव का, मेले का सभी लोग लाभ उठा रहे हैं। और जो जैसा यज्ञ होता है वही यज्ञ है, लोक कल्याण, जनहित में, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए। श्री राम महायज्ञ 1111 कुंडीय महायज्ञ 2013 में किया गया था, उसकी ही वर्षगांठ के रूप में और पांडवगढ़ धाम महोत्सव के रूप में नया नाम देकर के ये आयोजन को कराया जाता है, जिसमें आप सब लोग भागीदारी होते हैं, आप लोग उसमें सहयोग करते हैं और जो यज्ञ में बैठना चाहते हैं उनको भी मौका प्राप्त होता है, क्योंकि बड़ा समय लगता है। अब तो शहर हर जगह यज्ञ होते हैं, भगवान की कृपा से ये बहुत अच्छा समय प्रवर्तित हुआ है। नहीं तो लोग यज्ञ के लिए, कथा के लिए तरसते थे, परीक्षा पढ़ने के लिए तरसते थे। और यहाँ जो हमारी कला है, भारतीय संस्कृति, नाटक मंचन, रामलीला मंचन, राष्ट्रीला, बुंदेलखंडी नृत्य इत्यादि, कव्वाली, गजल और जिसको हमारे यहाँ बोला गया है लोकगीत, परम पूज्यपाद सतगुरु भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की, श्री समाधि वाले बाबा की, श्री परितराज महाराज की, श्री हिंगोटा वाले महाराज की, माता पुष्पाती गंगा मैया की, गौ माता की, भारत माता की, संत भगवान की, संत महापुरुष भगवान की, सत सनातन धर्म 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 की जय। बोले श्री हनुमान जी पांडवकर सरकार की जय। श्री पांडवकर सरकार त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार में श्रद्धा मंच के माध्यम से अमावस्या पर्व से पंचमी एवं दसवीं तिथि होने वाले पर्व को अब 300 दिन प्रवर्तन किया गया है। रात दिन भक्तों का मेला पांडवगढ़ धाम की पवित्र भूमि पर दिन और रात क्या है आप पांडवगढ़ धाम में देख सकते हैं।
रात्रि के इस समय 11 बजने जा रहे हैं, कितने हो गए हैं, लोग 11:15 हो गए हैं, और श्री पंडो का सरकार त्रिकालदर्शी दरबार का अभी आरती हो रही है। आज मंगलवार है, हम सबका बार है, क्योंकि हमारे हनुमान लला का बार है। किसका दिन है? हनुमान जी का दिन है, लेकिन आध घंटे बाद चेंज हो जाएगा। आधी घंटा है, श्री पंडो का सरकार त्रिकालदर्शी देव दरबार में आप सबको बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद। ये तो आपको ज्ञात हो गया है, जानने वाले जान गए हैं, मानने वाले मान गए हैं, जो नहीं मानना चाहते उनको मनाने का प्रयास आप सब लोग करिए, और नहीं मानते तो छोड़ दीजिए। जिससे विद्वानों को बुलाया गया है, कलाकार को बुलाया गया है, तो वो अपना उस मंच के माध्यम से, उस मंच से सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में अपने प्रस्तुति करते हैं, तो ये भी एक बड़ा विषय है कि जो व्यक्ति राजस्थानी कल्चर में भजन सुनेंगे, वहां की नर्मदा भक्ति के रूप में जो गायन करता होते हैं, कथक वाले हैं, तो ये जो छोटे बच्चे हैं ये और भी अनेक प्रकार के नृत्य में चक्कर पड़े रहते हैं, तो जो हमारी भारतीय संस्कृति के अनुकूल है, यदि उसको अनुसरण करेंगे, उसको जानेंगे, उसको देखेंगे, उसका अभ्यास करेंगे, रिहर्सल करेंगे, तो बच्चों के अंदर एक नई प्रकृति की ऊर्जा का अनुभव होता है। पंडोगढ़ धाम में प्रतिवर्ष लगभग 2-3 लाख लोग उस मेले में आने की अभी तक देखा गया है। मैं आपको चित्र भी दिखाऊंगा, वीडियो भी दिखाऊंगा। इस बार अभी चुनाव भी चल रहा है, क्योंकि क्षेत्रीय सबसे ज्यादा समूह रहता है हमारे यहाँ, रात्रि में मेला ज्यादा होता है, दिन में हमारे यहाँ मेला नहीं चलता है, क्योंकि ये गांव का मेला है, तो रात्रि में सबसे ज्यादा मेला होता है, लोग भूले होते हैं, वहाँ के और भी जितने भी क्षेत्रीय जो घूमने फिरने वाले गाड़ी ट्रैक्टर लेके आते हैं, वो सबसे ज्यादा रात को ही जाते हैं, फसल काटते हैं और शाम के टाइम अपने मेला का लाभ उठाते हैं, रात्रि में मेला देखते हैं। बड़ा शांतिपूर्वक चलता है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है, और दिन में ही यज्ञ चलता है, इसमें हवन करने वाले हवन करते हैं, भंडारा पाने वाले भंडारा पाते हैं, भंडारा खिलाने वाले भंडारा खिलवाते हैं, प्रसन्न कराते हैं, रूपरेखाएं तैयार करते हैं, दिन में दंगल होता है, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, करने वाले दिन में समय समय पर होती रहती है। जैसे आपने कहा, तो इस समय प्रबल स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है, और जो मैं पहले ही अभी पूर्व में लोकसभा का चुनाव हुआ, तो उस दौरान हमने विधानसभा का चुनाव लोकसभा का हुआ, तो विधानसभा के बारे में हमने पूर्व संकेत किए हैं, जैसा मुझे अनुभव हुआ था कि मध्य प्रदेश में तो क्या पूरे भारत में इस समय राम लहर है, राम जी की लहर है, कृष्ण जी की लहर है, सनातन धर्म की लहर है, भारतीय संस्कृति की लहर है, और इस समय भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रबल स्थिति में है। क्योंकि जो ईश्वर का है, ईश्वर का अंश है, ईश्वर को जो भजता है, किसी कारणवश दूर हुआ है, वो अवश्य अपने घर वापस आ जाता है। जो अपना होता है वो अपने घर वापस जरूर आता है, जो पराया होता है ना, इसमें भी दो हैं, एक दिति का वंश और एक अदिति का वंश, एक देवताओं का वंश, एक राक्षसों का वंश। तो राक्षस प्रवृत्ति वाले चाहते तो हैं, मानते तो हैं कि परमात्मा होता है, ईश्वर होता है, विष्णु होते हैं, ब्रह्मा होते हैं, नारद होते हैं, देवी देवता होते हैं, ये पराशक्ति है, दिव्य शक्तियां बहुत सार्थक होती हैं,
और उन पर हम कभी विजय नहीं पा सकते। उसके बाद ही वो कहते हैं अंधेरा कायम रहे। उसके बाद भी दुष्ट आत्मा क्या क्या करती है कि अंधेरा रहे, और ये दुष्ट आत्माओं का, तुच्छ आत्माओं का, निष्ठ आत्माओं का काम ही है अंधेरा रखना। वो जानते हैं कि ये लाइट है और हम अंधेरे हैं, ये प्रकाश है मैं अंधेरा हूं, ये शक्ति है हम शक्ति होने के बाद भी शक्तिहीन है, ये कृपा के प्रसाद की शक्ति है हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद ही वो आक्रमण करते हैं। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, हमारा आपका सबका धर्म बनता है कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले आए, और मैं वो ही काम करता हूं। जितने भी साधु संत महापुरुष योगी जन जो हैं, वो इस बात का मुझे आशीर्वाद देते हैं कि कोई तो है जो सनातन धर्म का ताल ठोक करके प्रचार करता है, वो है पंडोकर धाम पीठ। हम फालतू के आडंबर के चक्कर में नहीं पड़ते, हम विरोध उसका करते हैं जिसका विरोध सार्थक है। सभी जगह जगह जो कार्यक्रम होते हैं, जो कलाकार, जो विद्वान गेट पर खाली होते हैं उनको आमंत्रण किया जाता है, जिन जिनके स्वीकृति प्राप्त हो गई है उन सबको पत्रों में छाप दिया गया है, जिनकी आने की संभावना होगी या स्वीकृति प्राप्त होगी तो पुनः जानकारी समाचार पत्र के माध्यम से दी जाएगी। देखिए मैंने अपने प्रदेश के मुखिया श्री मोहन यादव जी से मैंने मुलाकात की, बहुत ही अच्छी चर्चा हुई। पंडोकर धाम में आने के लिए आश्वासन दिया देव आएंगे, बस इस समय चुनाव चल रहे हैं, जैसे गाइडेंस के पास समय होगा उस समय में आएंगे। हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने सामान्य तौर पर प्रदेश के मुखिया को, अपने राष्ट्र के मुखिया को पत्र देना, सूचना देना हमारा कर्म है, तभी यज्ञ सफल होते हैं। देखिए आज दूसरा दिन है, बहुत सारा सरस्वती माता का मंदिर, देवी शक्ति का केंद्र, बड़ा शक्ति यंत्र साधना का स्थल, यज्ञ परंपरा का जो क्षेत्र है, असल प्रशासन एक्शन ले रहा है। ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन सौभाग्य है कि आज 21वीं सदी के अंतर्गत भगवान इसे योग बदलते हैं, सतयोग त्रेता द्वापर कलयुग, आज कलिकाल के चक्र में ही त्रेता का, सतयोग का और योग बदला है। इसलिए ये बहुत ही सुंदर काम प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार से भी हमारा प्रमुख प्रार्थना है कि जितने भी तीर्थ स्थलों को लिप्त किया गया, अतिक्रमण किया गया, इनको मुक्त शीघ्र कराना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में बहुत सारा में जैसे कि यंत्रों को मिटाया गया प्रयास किया गया, वहां के जो मूर्तियां थी उनको मिटाने का प्रयास किया, तो ये साक्ष मिटाने का काम ही जारी हो गया है। इसलिए जितनी जगह जहां जहां हमारी प्राचीनतम शास्त्र और सनातन धर्म की जो साधु संतों के द्वारा जो पूर्व विद्या का कहीं ना कहीं जो चित्रण किए गए हैं और इनका अतिक्रमण है, इनको शीघ्र ही मुक्त होना चाहिए। और आशा भी है कि योग प्रवर्तन हुआ है और इस योग में शीघ्र ही बहुत सारा धार का निर्णय सनातन धर्म और हिंदुओं के लिए और साधु संतों के लिए, योगियों के लिए बहुत अच्छा निर्णय होने वाला है। और हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि इस समय केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार इस पर एक्शन ले रही है और
जल्दी से जल्दी गौशाला ढाका निर्णय पक्ष में आकर के और उसमें माता सरस्वती की स्थापना होगी और पुनः पूजा पाठ यज्ञ वहां के विद्वानों के द्वारा और शासन प्रशासन द्वारा व्यवस्था बनेगी, ऐसा मेरी आशा है और ऐसा योग भी है। संबंधित कोई व्यक्ति हमारे पास आता है तो मैं अवश्य बताता हूँ कि आपको क्या सुधार करना चाहिए। जैसे पीड़ित होने पर डॉक्टर के यहाँ जब जाते हैं तो डॉक्टर ये नहीं देखता कि आप कौन हैं, किस जाति के हैं, किस संप्रदाय के, किस दल के हैं, डॉक्टर आपका इलाज करता है। तो जैसे आपने प्रश्न किया है तो हम तो चाहते हैं कि सरकार अच्छी चले, प्रदेश का उत्थान हो, मध्य प्रदेश हमारा समृद्धशाली हो और आज मध्य प्रदेश तो छोड़ो, केंद्र सरकार से ही उठाओ, आज पूर्णतः केंद्र सरकार के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर ये चुनाव हो रहा है और भारतीय सनातन संस्कृति के ऊपर हो रहा है, हमारे राष्ट्रहित के लिए निर्णय लिए जा रहे हैं, उसमें हम लोग खुश हैं। बाकी जो निर्णय होते रहते महंगाई सब चलता रहता है लेकिन हम इसमें कुछ कम है, हम कुछ तो सबसे ज्यादा कि हमारी पूर्ण परंपरा, हमारी पूर्ण संस्कृति वापसी आ रही है और हमको सनातन धर्म के लिए हमारी पूर्ण संस्कृति को हमको वापस मिल रही है, जिससे हम पढ़ लिख करके ज्ञान संग्रह करके हम राष्ट्र को और सभी जगह जो भक्त आएंगे सबको मार्गदर्शन कर सकेंगे। की भावना से अपील करने और आह्वान करने और समस्त लोगों को सूचना यज्ञ की देकर के आयोजन की गतिविधियां पत्रों पंपलेट इत्यादि वितरण करा करके वहां का लाभ उठावे, हनुमान जी की आरती करें, यज्ञ का दर्शन करें, आहुति करें और साथ ही वहां का जो भी व्यवस्था है उन व्यवस्थाओं को कैसे सुचारू रूप से बढ़ाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, उसका भी आपसे एक लाइन और मार्गदर्शन की भी कामना करते हैं। जय श्री राम, जय श्री प्रभु। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।